विजेता तो नहीं बनते थे मुसहर, कोई उपविजेता तक नहीं बनता था मुसहर, कोई चुनाव लड़ता तक नहीं था लोकसभा का। आखिर ऐसा क्या हुआ था लोकसभा क्षेत्र गया में? लेफ्ट नवादा में स्ट्रांग है, गया में आपको राइट के लोग मिलेंगे। पासवान और मुसहर जाति को जो लीडरशिप दिया गया वो जेपी लोहिया कर्पूरी और इनके द्वारा दिया गया, न कि जैसा कहा जाता है कि लालू यादव ने दिया। एक तरफ नवादा है जहां पे सिर्फ बाहरी ही सांसद बनते हैं, स्थानीय कोई सांसद नहीं बन रहा है, और एक तरफ गया है जिसने कभी भी आज तक किसी भी बाहरी को सांसद एक्सेप्ट किया ही नहीं। नीतीश कुमार भी आते हैं, लालू यादव भी आते हैं, रामविलास पासवान भी आते हैं, और जब भी मुसहर और पासवान एक साथ एक कैंडिडेट खड़ा किया तो वहां पे जीत होती है। एक भी मुसहर सांसद नहीं बन पाया। मुसहर सबसे बड़ी जाति, कोई कैंडिडेट उनको बनाने को तैयार नहीं है। पासवान दूसरी सबसे बड़ी जाति, उनको कोई कैंडिडेट बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो गया को क्यों नहीं किया गया, ये अपने आप में एक गुत्थी है। देश की आजादी से लेकर आज तक गुमनामी का जीवन जी रहा गया लोकसभा क्षेत्र कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर के अपने साथ समेटे हुए हैं, कई सारे इंटरेस्टिंग ऐतिहासिक तथ्य और चौंकाने वाले आपने रहस्य लेकर के बैठा हुआ है जिसके ऊपर हम कम ही ध्यान देते हैं। आज भले ही गया लोकसभा क्षेत्र जीतन राम मांझी जो बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हालांकि कुछ लोग उन्हें एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री भी कहते हैं, उनके कारण थोड़ा चर्चा में आया है, लेकिन इस पहले चरण के लोकसभा चुनाव में 2024 में अभी भी जितना लाइमलाइट जमुई लोकसभा क्षेत्र को मिला है या नवादा को मिला है उतना अभी तक नहीं मिल पाया है। गया के बारे में बहुत कम आपको खबरें मिलेंगी। नरेंद्र मोदी भी आए हैं अपनी सभा करने के लिए, तो पहले वो जमुई गए हैं, फिर नवादा गए हैं, और अभी तक पता नहीं है कि वो गया जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, जबकि जीतन राम मांझी खुद वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में जो आपसे चर्चा करेंगे वो कुछ लोकसभा, गया लोकसभा क्षेत्र के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। और गया लोकसभा क्षेत्र का सबसे इंटरेस्टिंग जो हमारी नज़र में फैक्ट है वो ये है कि गया लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लगभग 16.5 से 17% मुसहर मतदाता हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से 1947 से लेकर के 1996 तक 50 सालों तक गया लोकसभा क्षेत्र से एक भी दलित सांसद, एक भी मुसहर सांसद नहीं बन पाया, जबकि 1967 से लेकर के आज तक लगातार गया लोकसभा क्षेत्र दलितों के लिए आरक्षित रहा है। और ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि गया लोकसभा क्षेत्र उन चुनिंदा लोकसभा क्षेत्रों में से बिहार का है जो 1967 से लेकर के आज तक लगातार दलितों के लिए सुरक्षित है। इसके अलावा गया के अलावा एकमात्र जो आपका सासाराम है और दूसरा है हाजीपुर जो 67 से लेकर आज तक दलितों के लिए आरक्षित है, उसके अलावा कोई और नहीं है आरक्षित। और उसके पीछे भी कहानी ये कहा जा सकता है कि चूंकि जो सासाराम है वो देश के सबसे बड़े दलित नेता, कांग्रेस के सबसे बड़े दलित नेता जगजीवन राम का लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ से 4-5 बार वो चुनाव भी जीते हैं, उसके बाद उनकी बेटी मीरा कुमार वहाँ से चुनाव लड़ती है लगातार, इसलिए हो सकता है कि वो अपना पावर दिखा करके उसे सुरक्षित बने रहने दिए होंगे। आप हाजीपुर के बारे में भी सोच सकते हैं कि हाजीपुर में चूंकि रामविलास पासवान 1977 में रिजर्व होने के बाद लगातार वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, तो हो सकता है कि अपना इन्फ्लुएंस लगा करके उन्होंने 2008 के परिसमन में उसको सुरक्षित सीट से असुरक्षित सीट होने से, रिजर्व होने से बचा लिया उसको। लेकिन इसमें तो कोई तथ्य नहीं है कि गया लोकसभा क्षेत्र से जितने भी सांसद अभी तक बने हैं उसमें से कोई भी सांसद ऐसा नहीं बना है आज़ादी से लेकर आज तक जो कि केंद्रीय मंत्री में कोई बड़ा नाम हुआ हो। जीतन राम मांझी का नाम बड़ा हुआ है लेकिन उनका नाम वहाँ लोकसभा क्षेत्र के सांसद के रूप में, पहचान के रूप में नहीं हुआ है, बल्कि मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है, विधायक के रूप में हुआ है। तो अभी तक गया लोकसभा क्षेत्र से कोई भी ऐसा नेता नहीं निकला है जो नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का भी हो, यानी कि वो मंत्री तक भी बना हो भारत सरकार में। तो ऐसी स्थिति में कि सासाराम रिजर्व रख दिया गया क्योंकि वहाँ पर जगजीवन राम का क्षेत्र था, हाजीपुर रख दिया गया, बने रहने दिया गया क्योंकि वो वहाँ पे सबसे बड़े नेता, आपके पासवान के सबसे बड़े नेता रामविलास पासवान का क्षेत्र था, और गया किस लिए फिर रखा गया जबकि जो हाजीपुर है वो 1977 से रिजर्व है और गया जो है 1967 से ही रिजर्व है। तो कायदे से ये होना चाहिए था कि 1977 से फिर आपका ये भी रिजर्व है नवादा लोकसभा क्षेत्र, लेकिन 2008 में उसको हटा दिया गया रिजर्व से। तो गया को क्यों नहीं किया गया, ये अपने आप में एक गुत्थी है।
अब इसके पहले एक और गुत्थी जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे आजादी से लेकर के 67 से लेकर के आजादी से लेकर के 1996 तक कोई भी मुसहर सांसद वहां से नहीं बनता है सांसद, जबकि वहां 17% सबसे ज्यादा आबादी मुसहरों की है। और उसके बाद फिर 1996 से लेकर के आज तक एकमात्र अगर आप छोड़ देंगे कि 1998 का चुनाव अगर आप छोड़ देंगे तो 98 के चुनाव के अलावा 1996 से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ गया लोकसभा क्षेत्र से मुसहर सांसद ही बन रहे हैं। और पिछले कुछ चुनाव में तो ऐसा हुआ है, कम से कम पिछले 3 लगातार चुनाव में ऐसा हुआ है कि विजेता भी मुसहर ही है और उप विजेता भी मुसहर ही है। तो ये जो शिफ्ट हुआ कि जहां 50 आज़ादी के बाद 50 सालों तक एक भी मुसहर सांसद नहीं दिया गया, और उसके बाद फिर लगातार सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि उप विजेता भी मुसहर ही आ रहे हैं, तो ये गुत्थी क्या है, क्या आखिर ऐसा हुआ है। अब इसके अलावा यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है गया लोकसभा क्षेत्र के बारे में। मैं पहले लिस्ट आपको दो चार और दे देता हूँ, फिर उसके बाद फिर हम एक खास करके कि कैसे गया लोकसभा क्षेत्र में ये जो चेंज हुआ कि मुसहर का जो राइज हुआ गया लोकसभा क्षेत्र में वो कैसे हुआ, उसकी क्या कहानी है, 90 के दशक में आखिर क्या हुआ था जिसके कारण कि गया लोकसभा क्षेत्र में मुसहर का राइज हुआ पॉलिटिकली, उसकी कहानी बताएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक दो और इंटरेस्टिंग फैक्ट गया लोकसभा क्षेत्र के बारे में बता देता हूँ। उदाहरण के लिए गया लोकसभा क्षेत्र जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं जाना जाता है क्योंकि गया लोकसभा क्षेत्र जो है मुसहर का गढ़ है, बल्कि इसलिए भी जाना जाता है कि गया लोकसभा क्षेत्र में ने बिहार का, पूरे बिहार का पहला दलित महिला सांसद दिया था। भगवती देवी 1996 में बिहार की पहली दलित महिला सांसद थी जो चुनाव जीत करके पहुंची थी संसद तक महिला। इसके अलावा गया लोकसभा क्षेत्र वो लोकसभा क्षेत्र है जिसने पहला मुसहर सांसद दिया था, दलित मुसहर महिला सांसद दिया था आपको पूरे गया लोकसभा क्षेत्र में। तो ऐसे बहुत सारे अतरंगी कहानियां हैं। आप उसके अलावा फिर एक और इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट है कि आप बगल में ही चले जाइए नवादा लोकसभा क्षेत्र। नवादा लोकसभा क्षेत्र के बारे में हमने एक आपको एक कहानी भी बताया था कि किस तरह से नवादा लोकसभा क्षेत्र में पिछले 50 साल से आपके 1971 के बाद से लगातार सिर्फ बाहर के लोग ही यहाँ चुनाव जीत रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, कोई भी बाहर से आता है और जीतता है। यहाँ पे तो ऐसा हुआ कि नेपाल बॉर्डर से आकर के आपके संजय पासवान जी, कभी कोई यूपी तक से लोग आकर के यहाँ पे चुनाव जीत गए हैं, जीत करके चले गए हैं। कोई बेगूसराय से अभी भी जो सांसद वहाँ पे है वो आपके मोकामा के हैं, तो वो बाहर के लोग ही वहाँ चुनाव जीतते हैं। लेकिन गया लोकसभा क्षेत्र उन्हीं का पड़ोसी है। इनफैक्ट गया और नवादा जो था वो एक ही जिला हुआ करता था, बाद में इसको अलग किया गया आज़ादी के बाद। उसके बावजूद एक तरफ नवादा है जहाँ पे सिर्फ बाहरी ही सांसद बनते हैं, स्थानीय कोई सांसद नहीं बन रहा है, और एक तरफ गया है जिसने कभी भी आज तक किसी भी बाहरी को सांसद एक्सेप्ट किया ही नहीं। एक दो बार प्रयास किया गया अलग अलग पार्टियों के द्वारा कि वहाँ पे बाहरी लोगों को लाके लड़ाया गया, लेकिन हर बार उन्होंने रिजेक्ट किया। उदाहरण के लिए 1977 में आपके मिश्री सदा हैं, उनको लाया गया कटिहार से, जो रामविलास पासवान को विधायक में हरा चुके थे चुनाव, उनको लाया गया, लाकर के लड़ाया गया और मुसहर का कार्ड खेला गया, लेकिन वो हार गए। उसके बाद फिर 2004 में बीजेपी हारी है और वही बीजेपी की एकमात्र हार है 1998 से लेकर के अब तक का, एनडीए का एकमात्र हार है। 2004 में किसी हरियाणा के एक आईपीएस ऑफिसर को ला करके लड़ा दिया गया था और वो भी हार गए थे। और सिर्फ हारने के पीछे सिर्फ एकमात्र कारण था कि लोकल कार्यकर्ता जो थे बीजेपी के गया में, उनकी मर्जी के खिलाफ किसी और को, किसी बाहरी को वहाँ से लड़ा दिया गया था, और उसके कारण अपर कास्ट के लोगों ने वहाँ पे, राजपूत ने, ब्राह्मण ने, जो आपके बनिया हैं, जो भूमिहार हैं, उन्होंने उनको वोट नहीं किया आउटसाइडर को, इसलिए वो वहाँ पे चुनाव हार गए। तो ये बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है कि बगल वाला सिर्फ बाहर वाले को चुनाव जिता रहा है और गया वाले जो हैं वो सिर्फ बाहर वाले को एक बार भी नहीं चुनाव जिता रहे हैं। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक तरफ आप गया चले जाइए, गया में आप नवादा चले जाइए, बगल में पड़ोसी में नवादा में आपको कम्युनिस्ट सांसद बने हैं, और एक दो बार नहीं, तीन तीन चार चार बार वहाँ पे कम्युनिस्ट सांसद बने हैं। आपको गणेश शंकर विद्यार्थी सबसे बड़े नेता वहाँ पे थे। और दूसरी तरफ मतलब जो कम्युनिस्ट थे वो नवादा में अच्छे खासे स्ट्रांग थे, और दूसरी तरफ गया चले जाइए, गया में आपको एक भी कम्युनिस्ट सांसद नहीं मिलेंगे। और उल्टा, कम्प्लीटली उल्टा, लेफ्ट नवादा में स्ट्रांग है, गया में आपको राइट के लोग मिलेंगे। पहला गैर कांग्रेसी सांसद गया लोकसभा क्षेत्र में जो बनता है वो किसी जेपी की पार्टी से या किसी लोहिया की पार्टी से या किसी और पार्टी से नहीं बनता है, बल्कि भारतीय जनसंघ से बनता है।
67 के चुनाव में ईश्वर चौधरी लड़ते हैं और वो तीसरे नंबर पर रहते हैं, लेकिन 1971 के चुनाव में वो चुनाव को जीत जाते हैं और भारतीय जनसंघ से ये चुनाव लड़ते हैं। तो ये एक अलग अतरंगी कहानी है गया लोकसभा क्षेत्र के बारे में कि यहाँ पे लड़ाई जो है वो जनसंघ और कांग्रेस के बीच में हुई है, यहाँ पे जेपी और इनका जो है वो फाइट नहीं हुआ है। तो ये अपने आप में एक और इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिल गया। इसके अलावा एक और छोटा सा आप ये भी जान लीजिए कि 1989 से लेकर के आज तक कांग्रेस वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाई है। कांग्रेस लगातार वहाँ से चुनाव हार रही है और स्थिति ये है कि 1984 में आखिरी बार वहाँ से रामस्वरूप राम जो कि चमार थे वो वहाँ से चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे। उसके बाद से आज तक कांग्रेस का वहाँ पे चुनाव नहीं कोई लड़ा है। अब तो स्थिति ये है कि वहाँ पे कांग्रेस दूर दूर तक कहीं है ही नहीं, मतलब कोई विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस नहीं लड़ती है। एक आपका वहाँ पे वजीरगंज छोड़ दीजिए तो वजीरगंज में एक आध बार अवधेश सिंह जीतते हैं, राजपूत हैं, उसके अलावा कोई नहीं जीतता है। अब हम आते हैं उसी इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट से हमने शुरू किया था ये वीडियो, जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा इसमें डिस्कस करना चाहते हैं, और वो ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या 1990 के दशक में जिससे कि 1990 का 96 के बाद लगातार सिर्फ मुसहर सांसद वहाँ से जीत रहे हैं और 1996 से पहले कोई रनर अप भी मुसहर नहीं बन पाता था, मतलब विजेता तो नहीं बनते थे मुसहर, कोई उपविजेता तक नहीं बनता था मुसहर, कोई चुनाव लड़ता तक नहीं था लोकसभा का। आखिर ऐसा क्या हुआ था लोकसभा क्षेत्र गया में? तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि अगर आप आज़ादी के बाद का दौर देखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी शुरू में कि आज़ादी के बाद बिहार के और देश के सबसे बड़े कांग्रेसी नेता, दलित कांग्रेसी नेता जो थे वो जगजीवन राम थे। जगजीवन राम चमार हुआ करते थे और चमार होने के कारण उन्होंने न सिर्फ गया में बल्कि बाकी जितने भी लोकसभा क्षेत्र बिहार के थे, जहाँ जहाँ पर भी संभव हो सका, जो आरक्षित सीट था वहाँ पर चमार कम्युनिटी के लीडर को आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया। और इसी कारण से अगर आप देखेंगे तो जो शुरू में 1967 में जब चुनाव होता है, पहला बार आरक्षित गया क्षेत्र का चुनाव होता है, तो वहाँ पे एक पासी ही, एक चमार जाति के ही वहाँ पे चुनाव जीतते हैं और उसके खिलाफ रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन में ही अगली बार जो होता है वो चमार वहाँ से हार जाते हैं। उसके बाद फिर जब भी कांग्रेस से यहाँ पर आपको 3 सांसद मिलेंगे जो दलित कम्युनिटी से हैं, रिजर्व होने के बाद हुए हैं, और तीनों के तीनों चमार जाति से ही हैं। एक आपके रामस्वरूप शर्मा हो गए, 2 बार जीते, और एक दास जी हो गए, ये दोनों जो वहाँ पे जीते हैं। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस के ऊपर चमारों का और चमार का कांग्रेस के साथ बहुत गहरा रिश्ता था और उसके पीछे जगजीवन राम थे, इस कारण से यहाँ पर चमार जीत रहे थे। अब दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है मुसहर के पीछे होने का? अब कांग्रेस ने अगर नहीं दिया मुसहर को तो उनके अपोजिशन में जो वॉइस था, अपोजिशन में वॉइस था जेपी लोहिया का या नहीं तो फिर भारतीय जनसंघ का, तो भारतीय जनसंघ ने या फिर लोहिया की पार्टी ने, जेपी की पार्टी ने मुसहर को क्यों नहीं आगे बढ़ाया, ये सवाल उठता है। क्यों किसी को सांसद नहीं लड़ाया गया? उसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि चूंकि मुसहर बिहार की सबसे ज़्यादा पिछड़ी जाति मानी जाती है, महादलित के अंदर सबसे ज़्यादा पिछड़ी जाति मानी जाती है, चाहे शिक्षा हो, पैसा हो, धन बल पैसा, किसी भी मामले में मुसहर की स्थिति बहुत ख़राब है, सबसे ज़्यादा ख़राब है। तो ये पूरी संभावना है कि लीडर कम्युनिटी, जो लीडरशिप है वो मुसहर के बीच में नहीं था, ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेता मुसहर के बीच में नहीं थे जो लोकसभा का चुनाव लड़ सके। इसलिए हो सकता है कि उस तरह का लोकसभा का कैंडिडेट, लोकसभा का चुनाव लड़ने लायक कैंडिडेट मुसहर से कोई मिल ही नहीं पाता होगा, इसलिए कोई भी पार्टी उसको स्पेस नहीं दे पाती होगी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जनसंघ जब अपोजिशन में वॉइस बनी तो उसने किसी मुसहर को स्पेस नहीं दिया, बल्कि उन्होंने स्पेस दिया एक पासी को, ईश्वर चौधरी को। और पासी होते तो ये भी महादलित हैं, लेकिन दलित होते हैं, महादलित होते हैं, लेकिन अनटचेबल, जिस लेवल पे अनटचेबिलिटी मुसहर के साथ किया जाता है उस लेवल पे अनटचेबिलिटी पासी के साथ नहीं किया जाता। और जिस तरह से आरोप लगता है भारतीय जनसंघ पे, जनसंघ पे, आरएसएस के ऊपर कि वो हिंदुत्ववादी पार्टी है, वो ब्राह्मणवादी पार्टी है, वो जो है वो छुआछूत को ज़्यादा वहाँ पे लोग मानते थे उस दौर में, तो और ज़्यादा मानते थे, तो हो सकता है कि मुसहर को स्पेस इसलिए ज़्यादा नहीं दिया गया क्योंकि मुसहर बहुत ज़्यादा अछूत जाति कम्युनिटी मानी जाती थी उस समय। तो दूसरा कारण ये हो सकता है, हम संभावना ही बता रहे हैं, एग्जैक्ट हमको नहीं पता है। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि जिस तरह से मैंने बताया कि जगजीवन राम बहुत स्ट्रांग थे तो उसके कारण किसी और कम्युनिटी को आगे आने ही नहीं दिया जा रहा था,
तो इस तरह से इन कारणों से, चाहे जो भी रियल कारण हो, इन कारणों से मुसहर जो कि सबसे ज़्यादा था, 17% वहाँ पर आबादी थी, उनको स्पेस नहीं दिया गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा सच्चाई है, लेकिन पार्शियल ट्रूथ है। सच्चाई इसमें ऐसे नहीं है कि अगर आप देखेंगे आज़ादी के बाद का जो कास्ट वाइज अगर पार्टियों का एनालिसिस करेंगे, तो उस दौर में 1960-70 के दशक में बिहार के अंदर तीन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्टियां थी। एक जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की, जिसे आप संसोपा कहिए या बाद में उसको भारतीय लोकदल बना, जनता पार्टी बीच में बना, फिर जनता दल बना, इन सबसे मिला करके। दूसरा भारतीय जनसंघ थी, जो 1970 के दशक में जा करके संसोपा के साथ मिलकर के, भारतीय लोकदल के साथ मिलकर जनता पार्टी बनती है। तो एक धड़ा था आरएसएस, भारतीय जनसंघ इनका, दूसरा धड़ा था कांग्रेस का, और तीसरा धड़ा था जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों का था, जिसमें बाद में चल करके रामविलास पासवान भी आते हैं, लालू भी आते हैं, नीतीश कुमार भी आते हैं, ये सब लोग एक साथ होते हैं। तो इन तीन धड़ों का आप साफ साफ आपको कास्ट एंगल दिखेगा। जो कांग्रेस है वो चमार को पकड़े हुए है, लोकसभा क्षेत्र गया में भी और गया के बाहर भी चमार को पकड़े हुए है, जो आपका कांग्रेस है। दूसरी तरफ जो भारतीय जनसंघ है वो पासी को पकड़े हुए, कम से कम लोकसभा क्षेत्र गया में, क्योंकि पासी के जो जनसंघ के उस दौर के उस क्षेत्र के सबसे बड़े लीडर थे वो ईश्वर चौधरी थे, और ईश्वर चौधरी पासी थे। और इसके बाद फिर जो इनके भतीजे भी, जो कृष्ण कुमार चौधरी हैं, वो भी लड़ते हैं चुनाव, तो वो भी बीजेपी से ही चुनाव लड़ते हैं, और बीजेपी से ही वो चुनाव लड़ करके जीतते हैं। वो जो पासी का इनका साथ साफ बहुत अच्छा कनेक्शन था। तीसरे जो बचते हैं जेपी लोहिया, ये कंसिस्टेंटली दो कम्युनिटी का साथ लेते हैं, एक पासवान और दूसरा मुसहर। इसीलिए आपको दिखता है साफ साफ कि लोकसभा क्षेत्र में तो आपको नहीं दिखेगा लोकसभा चुनाव में कि ये लोगों ने स्पेस दिया है ज़्यादा मुसहर को, लेकिन विधानसभा चुनाव में पासवान को भी और मुसहर को भी जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव की पार्टी ने बहुत ज़्यादा स्पेस दिया है मुसहर कम्युनिटी को। उदाहरण के लिए 1962 में ही भगवती देवी जो महिला थी वो सांसद यहाँ से, विधायक यहाँ से बनती है गया लोकसभा क्षेत्र में, एक आपका इमामगंज बनती नहीं है, हार जाती है 62 में, 1967 में जीतती है वो, फिर 12 चट्टी से इमामगंज से हार जाती है, 1967 में फिर से उसे दिया जाता है और वो फिर जीतती है, 72 में फिर हारती है, फिर 77 में जीत जाती है, 80 में फिर हार जाती है। तो अब ऐसे ऐसे और भी लोगों को स्पेस दिया जा रहा था जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव और इनकी पार्टियों के बीच में। मुसहर के अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी जाति थी गया लोकसभा क्षेत्र के अंदर वो थी पासवान की, लगभग 5% ये हैं, 16% के आसपास आपके मुसहर हैं, और तीसरे नंबर पे है जो कि चमार है 4% के आसपास, और चौथे नंबर पे हैं पासी जो मुश्किल से 2-2.5% है। लेकिन मुसहर, जैसा मैंने कहा, मुसहर और पासवान दोनों को लीडरशिप अगर दिया है तो वो दिया या तो जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की पार्टी ने, जिसमें बाद में चल करके नीतीश कुमार भी आते हैं, लालू यादव भी आते हैं, रामविलास पासवान भी आते हैं, और वहां से जाकर के मजबूत होता है पासवान लीडरशिप। इसके अंदर गया लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर आप जेपी लोहिया की जो पार्टी थी शुरू में, जो संसोपा थी, बाद में चल के लोकदल हुई, फिर इनका अलायंस हुआ जनता पार्टी, जनता दल इंस गया, तो इनके जो सबसे बड़े लीडर थे गया लोकसभा क्षेत्र में वो थे राजेश कुमार। और राजेश कुमार लगातार चुनाव लड़ रहे थे, 1977 का चुनाव में वो नहीं लड़े, बैठ गए, क्योंकि जनसंघ के साथ उनका जो आपकी जनता दल था, जो संसोपा था, उसका अलायंस था, तो ईश्वर चौधरी को वो सीट दिया गया था। लेकिन जैसे ही फूट पड़ा 1980 में, बीजेपी अलग हो गई, जनसंघ अलग हो गई, जनता दल अलग हो गई, तो उसके कारण क्या हुआ कि राजेश जो कुमार हैं वो लड़े हैं, पासवान कम्युनिटी के थे, और वो तीसरे नंबर पे रहे हैं, दूसरे नंबर पे ईश्वर चौधरी। ईश्वर चौधरी का चुनाव हारने के पीछे, 1980 का चुनाव हारने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि राजेश कुमार भी चुनाव लड़े और 1 लाख के आसपास वोट लेके चले गए, तो वो जो वोट बटा इसके कारण कांग्रेस वहां पे जीत गई। उसके बाद 84 में भी वही हाल हुआ, फिर 89 में जब हुआ तो 89 में फिर से जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर की जो पार्टी थी वो पार्टी और जो बीजेपी है ये लोग मिल करके 89 में आ जाते हैं, एक साथ अलायंस में लड़ते हैं, जिसके कारण ईश्वर चौधरी को फिर से ज्वाइंट कैंडिडेट बनाया जाता है, राजेश कुमार नहीं लड़ते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि ईश्वर चौधरी फिर से जीत जाते हैं। लेकिन 91 में फिर से ज्वाइंटली चुनाव लड़ रहा होता है अलायंस में बीजेपी और ये जितनी भी पार्टियां हैं, लेकिन उस चुनाव में भी 91 के चुनाव में राजेश कुमार नहीं खड़ा हो रहे होते हैं, लेकिन 91 में ही ईश्वर चौधरी की डेथ होती है, उनकी हत्या होती है, और फिर राजेश कुमार लड़ते हैं, तो जो बीजेपी का वोट है और जो जनता दल का वोट है वो एक साथ मिल करके
राजेश कुमार को कैंडिडेट बना देता है और राजेश कुमार जीत जाते हैं वो चुनाव। तो ये देखिए कि जब भी मुसहर और पासवान एक साथ एक कैंडिडेट खड़ा किया तो वहाँ पे जीत होती है हमेशा कांग्रेस के विरोधी। कांग्रेस का जो 80-84 में जीत इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों के बीच में फूट पड़ी और ये दोनों पासवान और मुसहर जाति को जो लीडरशिप दिया गया वो जेपी लोहिया कर्पूरी और इनके द्वारा दिया गया, न कि जैसा कहा जाता है कि लालू यादव ने दिया। लालू यादव ने उसको आगे बढ़ाया है, नीतीश कुमार ने उसको आगे बढ़ाया है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि राजेश कुमार जो पासवान हैं उनके बेटे अभी करंट में चुनाव लड़ रहे हैं, कुमार सर्वजीत उन्हीं के बेटे हैं, राजेश कुमार के ही बेटे हैं और वो आरजेडी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं मांझी जी के। अब देखिए कितना बड़ा ट्रांजिशन है कि एक कम्युनिटी जो लोकसभा क्षेत्र गया के अंदर दबदबा था शुरू में चमार और पासी का 1950 से लेकर के 1970 तक 70-80 तक जो दबदबा था उसको रिप्लेस 90 में आते आते क्या होता है, 90 के आसपास 80-90 के बीच में पासी और पासवान ये एक साथ आते हैं, फिर पासी धीरे धीरे मार्जिनलाइज होता है, पासवान और मुसहर एक साथ आ जाते हैं और पासवान मुसहर जब एक साथ आते हैं तो फिर धीरे धीरे मुसहर बड़े हो जाते हैं और मुसहर क्योंकि 17% है। तो आज जो ये हुआ है कि आज का जो 2024 का कैंडिडेट है वो एक पासवान है और एक मुसहर है। तो आज वहाँ पे जो नंबर है जिसको कहते हैं ना कि जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। गया लोकसभा क्षेत्र दलितों के लिए आरक्षित है, दलित में सबसे बड़ी जाति मुसहर है, दूसरी सबसे बड़ी जाति पासवान है। 2024 के चुनाव में दो सबसे बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट कौन है, एक के मुसहर और एक के पासवान। ये ट्रू डेमोक्रेटिक साफ दिख रहा है, अब इस्टेब्लिश हुआ है। लेकिन इसके पहले क्या था, 1970 के दशक में मुसहर सबसे बड़ी जाति, कोई कैंडिडेट उनको बनाने को तैयार नहीं है, पासवान दूसरी सबसे बड़ी जाति, उनको कोई कैंडिडेट बनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो आपके चमार हैं 4% के साथ और पासी 2.5% के साथ लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 4 बार पासी जीता है, 3 बार चमार जीता है वहाँ पे, जब से 1967 से ये आरक्षित हुआ है सीटें। तो ये शिफ्ट हुआ और शिफ्ट होकर के आज उसके बाद साफ क्लियर दिख रहा है कि पिछले 1990 से लेकर के 1991 से लेकर के आज तक 25 सालों के लोकसभा के इतिहास में अगर आप देखेंगे, गया लोकसभा के इतिहास में, तो एक बार पासवान जीते हैं, एक बार पासी जीती है और बाकी सारा चुनाव मुसहर ने जीता है। इनफैक्ट इस 1991 से लेकर के 24 के बीच में जो सेकंड रनर अप भी जो कैंडिडेट रहा है उसमें 2 बार पासवान, अभी दूसरा बार हुआ भी नहीं है, रनर अप क्या होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली रनर अप पासवान ही होंगे इस बार, तो एक बार पासवान रह चुके हैं 2019 तक, 24 में अगर करेंगे तो दूसरे हो जाएंगे, और एक हरियाणा से हेलीकॉप्टर कैंडिडेट जो आए थे वो, और बाकी सारे के सारे मुसहर थे। यानी कि 1991 से लेकर के आज तक जो विनिंग कैंडिडेट हैं वो उसमें से 7 मुसहर हैं और रनर अप में 4 मुसहर हैं। तो इसी से आप देखिए कि कैसे 90s ने पूरा का पूरा वो बदला, और 90s में एक और ये बदलाव होता है कि अब सिर्फ मुसहर किसी एक पार्टी की जाति नहीं होती है, जो 1960-70-80 के दशक में मुसहर को भारतीय लोकदल या फिर संसोपार ये लोग आगे बढ़ा रहे थे, अब सभी पार्टियां इनके ऊपर डोरे डालती हैं, चाहे वो बीजेपी हो उनका कैंडिडेट होगा मुसहर, चाहे वो हम हो उनका कैंडिडेट मुसहर होगा, चाहे वो आरजेडी हो उनका कैंडिडेट मुसहर होगा। इस बार हालांकि पासवान को कैंडिडेट बनाया है लेकिन पिछले बार आरजेडी का कैंडिडेट मुसहर था, उसके जब भी देखिएगा आप आरजेडी में देखिएगा तो 2014 में रामजी मांझी थे उनके कैंडिडेट, 2009 में भी रामजी मांझी कैंडिडेट उनके थे, उसके बाद फिर राजेश कुमार मांझी थे आरजेडी के कैंडिडेट थे 2004 में, उसके पहले फिर आपका आरजेडी के कैंडिडेट थे पासवान जो राजेश कुमार थे। तो ये साफ दिख रहा है ट्रू डेमोक्रेटिक जैसे शिफ्ट होता है, ट्रांजिशन होता है वो दिखता है, और उसकी शुरुआत भारतीय लोकदल ने, कर्पूरी ठाकुर ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, लोहिया ने, इन सब ने इनका आधार रखा था गया लोकसभा क्षेत्र में। अब ये मुसहरों का ट्रांजिशन हो गया। अब ये सवाल उठता है कि आखिर इतना समय क्यों लगा, 90 तक का दशक का इंतजार क्यों करना पड़ा, जब अगर शुरुआत लोहिया जेपी और इन लोगों ने ही कर दिया था तो फिर उस समय क्यों नहीं उभर करके आया लीडरशिप। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्राई किया गया है, ऐसा ट्राई नहीं है कि ट्राई नहीं किया गया है, जो मैंने आपको बताया था कि क्यों मुसहर यहाँ पर लीडरशिप नहीं पैदा कर पाया, उसके पीछे एक कारण था कि यहाँ पर लीडरशिप था ही नहीं। कोई भी एक लीडर पैदा होने के लिए एक जनरेशन काफ़ी नहीं होता है, सबसे ज़्यादा गरीब सबसे ज़्यादा वो मुसहर हैं। तो जैसा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान में दिया था आरक्षण, तो उसके पीछे मकसद ये नहीं था कि उस आरक्षण के सहारे कोई
जो है वो नौकरी पा लेगा, कोई सांसद बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, वो अमीर बन जाएगा, उससे उस दलित कम्युनिटी का उत्थान हो जाएगा, ये मकसद नहीं था। बल्कि मकसद ये था कि इससे आरक्षण देने से एक लीडरशिप क्लास उस कम्युनिटी के अंदर डेवलप होगा और वो लीडरशिप क्लास फिर उस कम्युनिटी को लीड करेगा। तो 1947-1952 से जो उनको मिला आरक्षण, मुसहरों को भी मिला, सबको मिला। मुसहर शुरुआती दौर में 1962 से, जैसे मैंने बताया था, भगवती देवी जीतती है और कई सारे मांझी कैंडिडेट, आपके जीतन राम मांझी, चाहे वो कांग्रेस से ही क्यों ना, 1980 से लगातार चुनाव जीतते हैं। उसके पहले भोला मांझी भी वहाँ पे चुनाव जीतते हैं नवादा में। उसके पहले आपका गया के अंदर ही रामजी मांझी, हरी मांझी, सब लोग विधायक बन चुके हैं। तो 1960 से लेकर के 1990 के बीच में ये सारे मुसहर कैंडिडेट एक बार दो बार विधायक बन बन करके अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो कुवत, वो पैसा, वो धन, वो बल, वो सब कुछ जो जरूरी होता है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सब इकट्ठा करते हैं। और 1990 का दशक आते आते वो सब जब इकट्ठा होता है तो आपको साफ दिखेगा कि मुसहर कम्युनिटी के अंदर जो है सारे सांसद पैदा हो रहे हैं, क्योंकि एक से दो जनरेशन लग जाता है किसी भी कम्युनिटी को सांसद बनने में विधायक से। भगवती देवी पूरी जिंदगी कभी विधायक सांसद आकर के 1996 में बनी और लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव 1962 से लड़ना शुरू कर दी, 67 में वो पहली बार बन भी जाती है। तो इस पॉइंट को हमारे हिसाब से कि ये जो बड़ा ट्रांजिशन हुआ है गया लोकसभा क्षेत्र के अंदर, मुसहर कैसे अपना राइज किया है, लीडरशिप को कंट्रोल किया है, अपने संख्या के हिसाब से अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारी नज़र में वो बाबा साहब अम्बेडकर का वो विज़न था, जिस विज़न में उन्होंने एक हर कम्युनिटी, हर मार्जिनलाइज कम्युनिटी के अंदर एक लीडरशिप क्लास पैदा करने की जो उन्होंने रिजर्वेशन के थ्रू जो प्रयास किया था और उस प्रयास को अमली जामा पहनाया बाद में जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर के लोगों ने प्रयास किया और उसका फल जो मिला वो फल मिला लालू यादव जी के समय में 90 के दशक में। और ये सभी का इम्पोर्टेंस बराबर है इस ट्रांजिशन को पूरा करने में। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने लोकसभा क्षेत्र के ऊपर पूरा डिटेल्ड हमने आपको ये समझाने का कोशिश किया कि कैसे गया में, जहाँ पे कोई मुसहर कैंडिडेट तक लोकसभा क्षेत्र में नहीं बनता था, आज हर तरफ से रनर अप और विनर दोनों मुसहर ही हो रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट जो आपको लिए वीडियो लाएंगे, अगला बगल में ही फर्स्ट फेज में ही चुनाव हो रहा है औरंगाबाद में, औरंगाबाद के ऊपर बिल्कुल इसी तर्ज पे, जिस तर्ज पे हमने आज ये कहानी सुनाई है, इसी तर्ज पे हम आपको एक कहानी सुनाएंगे कि ये जो कहा जाता है औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के बारे में कि वो बिहार का चित्तौड़गढ़ है और वहाँ पे या राजपूतों का किला नहीं ढहा जा सकता है, वो बात और है कि आज तक आज़ादी से लेकर आज तक वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजपूत ही सांसद बने हैं। लेकिन हम आपको दिखाएंगे डेटा के आधार पे कि कैसे पिछले दो दशक से वहाँ पे, यानी कि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में राजपूतों का जनाधार धीरे धीरे घट रहा है, उनकी राजनीतिक शक्ति धीरे धीरे घट रही है और उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। इसके अलावा हम गया लोकसभा क्षेत्र के ऊपर डिटेल वीडियो ला रहे हैं, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के ऊपर पूरा डिटेल सब कुछ उसमें होगा। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ इस लोकसभा चुनाव के दौरान। नमस्कार।